वेलकम फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। मैथ का ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है कि उनके सामने अगर त्रिकोणमिति का नाम भी ले लिया जाए तो वो सोचते हैं कि हे भगवान, हमें ये क्या कह दिया, हमारी तो याददाश्त ही चली गई, ऐसे रिएक्ट करते हैं। पर अगर इसी टॉपिक के कंसेप्ट से अगर इसको समझा जाए तो इतना कुछ हार्ड है नहीं। तो आइए देखते हैं इसको। ये है त्रिभुज, ठीक है। इसमें ये जो एंगल है इस पॉइंट पर ए बी सी, बी पर जो एंगल बनाया वो 90 डिग्री है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है। अब जो ये सबसे बड़ी भुजा है, ये आधार के साथ थीटा एंगल बना रही है, मान लीजिए थीटा एंगल पर है, और जिस पर ये टिका हुआ है, ये भुजा जिससे एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? आधार। या ये त्रिभुज किस पर टिका हुआ है वो इसका क्या हो जाएगा? आधार। तो ये है इसका आधार या बेस, ठीक है। जो इसके लंबवत भुजा है वो हो जाएगी इसकी लंब, लंब या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी भुजा है जो एंगल बना रही है त्रिभुज की, उसको बोलते हैं करण। तो ये हो जाएगी करण या हाइपरटेनस, हाइपरटेनस, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है साइन थीटा। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा कोस थीटा, और फिर है टेन थीटा, उसके बाद साइन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है। अब इनका क्या फॉर्मूलाज होते हैं, ये वो कैसे करते हैं, तो इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। अपने को याद रखना है लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। अब इसको स्टार्टिंग क्या करना है, एल बटे के लंब बटे करण, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा लंब बटे करण, ठीक है। नेक्स्ट कोस थीटा, कोस थीटा क्या आ जाएगा, आधार बटे करण, आधार बटे करण। नेक्स्ट है टेन थीटा, टेन थीटा आ जाएगा लंब बटे आधार, तो ये आ जाएगा लंब बटे आधार। अब इसको उल्टा स्टार्ट करना है, ये हो गया साइन के लिए, ये हो जाएगा कोस, फिर हो गया टेन। अब इसको उल्टा स्टार्ट कर देना है, इधर से कोट सेक और कोसेक के लिए। तो कोट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, या जो टेन थीटा का फॉर्मूला है उसको उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आधार बटे लंब। इसी तरह सेक थीटा आ जाएगा करण बटे आधार, और कोसेक आ जाएगा करण बटे लंब, ठीक है। अब इन फॉर्मूलाज को देखते हुए अपने को ये बात समझ आ रही है कि साइन और जो कोसेक थीटा, ये आपस में क्या है, अपोजिट है। कोस और सेक है वो अपोजिट है, और लंब और कोट, टेन और कोट है सॉरी, वो आपस में अपोजिट है। तो इससे अपने क्या फॉर्मूलाज लिख सकते हैं कि, या लिख देता हूं मैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाय कोसेक थीटा। इसी तरह से कोस थीटा बराबर वन बाय सेक थीटा। एक फॉर्मूला और बनेगा यहाँ पर, जो टेन है उसमें क्या रहा है, लंब बटे आधार। अगर मैं साइन में कोस का ऐसे भाग दे दूं, और तो करण से करण कट जाएगा, बचेगा क्या, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर टेन का ये है फॉर्मूला, तो कोट का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। मैंने जो ये फॉर्मूला लिखे है, इसके अपोजिट भी कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा। या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो इधर तिरछा गुणा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर। इसी तरह टेन और कोट
आपस में अपोजिट है, उनका गुणा भी एक के बराबर हो जाएगा, और कॉस और सेक का मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी एक आ जाएगा। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जब कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को दे दिया गया क्वेश्चन में, तो उससे बाकी जो सभी पांच त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच जाते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा का मान देखा था अपने, क्या होता है लंब बटे करण, यहां से देख लेंगे लंब बटे करण। सबसे पहले ये देखना है तो इसका क्या आ जाएगा लंब बटे करण। तो अब इस जो समकोण त्रिभुज है उसमें तीन वैल्यू होती है लंब आधार और करण की। तो लंब की वैल्यू है 3 आ जाएगी यहां पर, करण है वो कितना है 5। तो अब जो कौन सी बच गई वैल्यू वो अपने पास नहीं है, क्योंकि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें अपने को सभी वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे जो आधार है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो समकोण त्रिभुज है उसमें एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कर्ण का स्क्वेयर है जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वेयर बराबर होता है आधार का स्क्वेयर प्लस लंब का स्क्वेयर। दोनों के स्क्वेयर को अगर जोड़ेंगे तो किसका आएगा कर्ण का स्क्वेयर। अब इस फॉर्मूले में अपने को चाहिए आधार, तो कर्ण और लंब की वैल्यू पता है, आधार की कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां लिखते हैं। करण की वैल्यू है 5 का स्क्वेयर आ जाएगा बराबर आधार, आधार अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस लंब, लंब का स्क्वेयर 3 है तो 3 का स्क्वेयर। अब इसको इधर ले आएंगे, फिर हो जाएगा 25 माइनस 3 का हो जाएगा 9 बराबर आधार का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 16, और इधर से अंडर रूट स्क्वेयर हटेगा तो आ जाएगा अंडर रूट, तो आधार की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। तो यहां से अपने को आधार की वैल्यू भी मिल गई 4। तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले अगर साइन थीटा का पता हो तो कोसेक थीटा तो फाइंड कर सकते हैं अपने, क्या हो जाएगा ये इसका उल्टा होता है करण बटे लंब 5/3 आ जाएगा। कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आधार बटे करण, आधार कितना है 4 करण है 5 तो 4/5। नेक्स्ट है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4। या इसका साइन थीटा में कोस का भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट कोट थीटा की अगर बात करें, कोट थीटा क्या आ जाएगा इससे कोट थीटा बराबर ये होता है आधार बटे लंब, या इस टेन को उल्टा कर देंगे 4/3। नेक्स्ट आ गया सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है करण बटे आधार, या कोस थीटा का उल्टा कर देंगे तो करण है 5 आधार है 4 तो 5/4। तो इस तरह से जब अपने को कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो अपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं।